ब्लैक बंगाल बिहार के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बंगाल। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बीटी व्लॉग्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीटी व्लॉग्स में। मैं उमर अहमद आज फुलवारी आया हूँ सहेल सर के फार्म पर, और उनसे कुछ बात करना, कुछ सवाल पूछना है, और उनके फार्म पे देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर तो चूना छीटा है इन्होंने, और यहाँ इनकी बकरियाँ हैं। ये इनकी बकरियों का बाड़ा है, और इधर इनके जो बच्चे रहते हैं। ये सारी जो बकरियां हैं, इसमें एक सोजत है, एक कोटा है, और दो ब्लैक बंगाल है, दो या तीन ब्लैक बंगाल है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए। ब्लैक बंगाल है, ब्लैक बंगाल, ये सोजत है, ये कोटा क्रॉस में है, और ये ब्लैक बंगाल। इनका जो मेन फार्मिंग है वो ब्लैक बंगाल पे है, और अभी इन्होंने सुबह में भूसा दिया है यहाँ साफ़ सफाई करवाने के बाद। ये इनके बच्चों का बाड़ा है। इनके बच्चे जो हैं, मैं आपको बकरीद के टाइम दिखाऊंगा रिज़ल्ट के क्या रिज़ल्ट आता है। और सहेल सर है यहाँ पर, सलाम सर, खैरियत से हैं? तौलिया वौलिया रखे हुए हैं? गर्मी है, उमस है ना। अच्छा, कल खूब तेज बारिश हुई है, अब बारिश होने के बाद धूप हो गई है, और बिहार के मौसम में उमस बहुत होता है। अच्छा, पूरा बदन पसीने से आपका तर रहता है। दिन भर में तीन बार भी नहाइए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तीन तीन बार कपड़ा बदलना पड़ता है। अभी तो खैर ये तो जनरली है ही है, ऐसे भी अगर आप सुबह को कहीं निकल गया दोपहर में आइए तो आप फिर कहीं निकलना, कपड़ा बदलिए, फिर रात में कपड़ा बदलिए, पूरा पसीना से बदन तर रहता है। वही उमस बहुत तेज, बहुत तेज उमस है। तो ये बताइए आपके आपके फार्म पर कैसा चल रहा है? ठीक है, लगा शुक्र है, अच्छा है। बरसात वगैरह तो अब तो एंड पर है, और किसी तरह की ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई है। पिछले बार में थोड़ी सी हमारी ही गलती, या ये कहिए कि मेडिसिन के अवेलेबल नहीं रहने से बाज़ार में जी, तो पिछले साल जो PPR हुआ था, सात बच्चा हमारा खस्सी मर गया था जी। लेकिन इस साल ऐसी कोई बात नहीं है, सभी बच्चे, बकरी भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। बकरी अभी भी 4 महीने से ऊपर की बच्चा दी हुई है, अभी भी माशाल्लाह सब अच्छे से दूध कर रही है, और अभी मेरा दूध फ्री ऑफ कॉस्ट डेंगू में बंट रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट सर? फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए कि यहाँ जो है इसका यह हाल है कि डेंगू के बीमारी के फैलाव में बकरी के दूध की महामारी ऐसी हो गई है कि कोई जो है बकरी का दूध नहीं मिल पा रहा है, और उसका नतीजा ये है कि बकरी का दूध लोग 400-400 रुपये, 300-300 रुपये पाव बेच रहे हैं। और लेकिन हम जो भी हम 1.5 किलो बच्चा, बाकी बच्चा पीता है, 1.5 किलो दूध निकाल लेते हैं। जो शुरू में तो ज़्यादा दूध होता था, लेकिन 4 महीने से ऊपर हो गया, तो वो दूध अभी हम हर के घर में, किसी के पाव भर, किसी के वहाँ 200 ग्राम, किसी को 300 ग्राम, इस हिसाब से डेली मेरा दूध जो है 1.5 लीटर फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ रहा है। अगर हम 1000 रुपये लीटर के हिसाब से 250 रुपये पाव भी बेचते ना, तो हम 1500 रुपये डेली कमाते, 45000 रुपये महीना कमाते। लेकिन रुपया सारी चीज़ नहीं होती है, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। अब किसी के दुखी हो गई, बीमारी हो गई, या कुछ वक्त के लिए हमसे दूध मांगने आएगा तो उससे पैसा लेंगे, ये हमारा न कल्चर है, न ये हमारी सिविलाइजेशन है, और न खुद मेरी अपनी ऐसी मेंटेलिटी है जी। तो पब्लिक सोशल वर्क के नाते फ्री में हम दे, सामाजिक काम तो करना ही चाहिए, और आप नेता बैकग्राउंड से हैं और तो आज जो भी आते होंगे आपके जानने वाले ही रहते होंगे। तो करीब करीब लोग, सारे लोग नहीं जान रहे हैं, पर दूध सिर्फ हम फुलवारी शरीफ में नहीं, पूरे पटना टाउन डिस्ट्रिक्ट में लोग कंकरबाग से आ रहे हैं, सब्जी बाग बाकरगंज से आ रहे हैं, लोग आपके बेली रोड से आ रहे हैं, सेमनपुरा खाजपुरा से लोग आ रहे हैं, इस तरह तमाम। आप फुलवारी का तो खैर भाई है, तो जो भी लोग आते हैं, तो जो बाहर के लोग आते हैं, हम उनको थोड़ा दूध ज़्यादा बढ़ा के देते हैं कि भाई इसको 2-3 दिन चला लीजिएगा, बार बार कितना ही है। लेकिन लोकल जो लोग आते हैं उनको 200-250 इसी तरह से 300, इससे ज़्यादा एमएल का दूध नहीं देते हैं, क्योंकि दवा है, दवा के तौर पर इस्तेमाल करना है, दो दो चमची करके 2-3 घंटे पर उसको दूध को चाट लेना है जी।
और फिर मेरा जो गिलोय का जो ये पूरा कहिए के जी, ये भी एक फार्म ही है मेरा हो गया है गिलोय का। ये गिलोय की डाली लोगों को काट के देते हैं, इसका काढ़ा जो है डेंगू में बहुत जबरदस्त फायदा करता है। तो ये दोनों चीजें देते हैं। और नीम पर चढ़ा हुआ गिलोय, नीम का गिलोय मिलता नहीं है कहीं, जंगल झाड़ी में मिल जाए तो मिल जाए। तो ये नीम पर जो चढ़ी हुई लत है, उस लत को हम लोगों को काट काट के लोग को देते हैं। अब बता देते हैं कि इसको काढ़ा किस तरह से बनाना है। अब आपके टाइम थोड़ा थोड़ा दूध चाट लेना है। अब 5 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह से क्योर हो जाता है। 5 दिन के अंदर ना लोगों का जो है डेंगू का जो प्लेटलेट जो गिर जाता है ना, वो प्लेटलेट अपने जगह पर आ जाता है। जी सर, मेरे यहाँ आने का की वजह कुछ सवाल थे, तो वो आपसे मैं करना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा लोग बकरी पालन को लेकर के इसके तरफ खिंचा रहे हैं, इसके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो जो नए कमर्स हैं उनको आपका क्या सजेशन है कि एक साथ 5 लाख 10 लाख पूंजी डाल दें या 2 बकरी से शुरुआत करें? जी नहीं, हाँ बिल्कुल, हम फेवर में इसके कभी नहीं हैं कि 20 बकरी या 25 बकरी या 40 या 50 बकरी से लोग करें। ये जो बिहार में ट्रेडर्स का एक जो गैंग बन गया है ना, ग्रुप बन गया है, वो अनएम्प्लॉयड लोगों के घर के पैसे को खींच रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, के 3 लाख 8 लाख लगा दीजिए, 7 लाख ऐसे बना दीजिए, वैसे बना दीजिए। अगर खुदा ना खास्ता वो सक्सेस नहीं हुआ तो, और ऐसे भी 98% फार्म सक्सेस नहीं होता है जिनको तजुर्बा रहता है और जिनमें बर्दाश्त करने की हिम्मत और हौसला रहता है, जो 2 साल 2.5 साल तक इसकी सारी कमी सारी घाटा को जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, वही लोग बकरी फार्म चलाते हैं। तो उसमें जो है हम तो हार्डली हम 3 बकरी से ज़्यादा किसी को, बिल्कुल जो न्यूली जो नए लोग हैं उनके लिए हम कहते हैं कि वो 3 बकरी से ज़्यादा भूल कर भी नहीं पोसें और वो उस 3 बकरी से प्रैक्टिकल हासिल कर लें। और बकरी फार्म करने से पहले कोई अच्छा ट्रेंड, ट्रेडर्स नहीं, ट्रेडर्स लोग भी आजकल ट्रेनिंग हो गए हैं, वो ये ट्रेनिंग देने लगे हैं, तो वो लोग नहीं बल्कि वो लोग जो वाकई में बकरी के अच्छे, जैसे सुधीर सर वगैरह लोग हैं बिहार में बहुत अच्छे, सुधीर सर का तो ऑल ओवर इंडिया में लोग उनको जानते हैं, उस टाइप के लोग अगर ट्रेनर हैं तो वैसे लोगों से ट्रेनिंग लेके बकरी की सारी जानकारी ले लें, उसको नोट्स बुक में नोट कर लें जी, और 3 बकरी से ही स्टार्ट करें, उससे ज़्यादा से नहीं। और अगर उसमें वो उनको लगता है कि हाँ हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा करके वो आगे बढ़ाएं, फिर वो 5 कर लें, 8 कर लें, 10 कर लें, 20 कर लें, 25 50 जितना करना है वो कर लें। लेकिन हम तो करते हैं कि 3 से ज़्यादा, हमारा हम तो किसान घराने के, मेरा किसान बैकग्राउंड है, ज़मींदार फैमिली बैकग्राउंड है, लेकिन हमने बाद में, पहले तो हमारे यहाँ हमेशा बकरी खस्सी वगैरह रहा, लेकिन जब हम इधर जो हमने शुरू किया 3-4 साल पहले, तो हमने सिर्फ 1 बकरी लिया था। अच्छा। और एक बकरी लिया, फिर 2 बकरी लिया, फिर जाके 3 बकरी लिया, अब माशाल्लाह से 4 बकरी या बल्कि 5 बकरी है अभी, और उसके बच्चे लोग हो रहे हैं। तो हम अपना जो निजी तजुर्बा है वो यही हम कहेंगे और लोगों को यही समझाएंगे कि फ्रॉड जो लोग हैं, ट्रेनर लोग हैं या जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके चक्कर में भूल से भी ना पड़े और जितने सस्ते से सस्ते में हो सके उतने ही में करें। एक छोटा मोटा रूम है उसमें 2-3, या अगर ठंडे का मौसम नहीं है तो आपके आंगन वगैरह है, बरांडा वगैरह है, उसी में बकरी आप रखिए, 3 से ज़्यादा से स्टार्ट मत कीजिए। और वो 3 इंशाल्लाह 2 साल में वो बकरी आपके जो है 12 से ऊपर बच्चा बना देगी, इसलिए एक बकरी जो है एवरेज ब्लैक बंगाल 3 बच्चा देती है, ये एवरेज, किसी कोई 4 देती है, कोई 5 देती है, कोई 2 देती है, तो एक बार में 3 का एवरेज भी अगर रख लीजिए और आप 3 बकरी जो है 9 बच्चा एक बार में दे दी और फिर 12-13 महीने के अंदर दूसरा फिर डिलीवरी हो गई, तो वो 9 बच्चा तो 18 बच्चा तो ऐसे ही आपके पास हो जाएगा, फिर आप बढ़ाते चले जाइए। और ब्लैक बंगाल बिहार के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बंगाल।